और इस दुकान में पूछ लिए लेकिन इस दुकान में नहीं है वो लाइट, और ये दुकान में भी ढुक के देखते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, बहुत टाइम बाद फिर से आया हूँ अपना एक नया फ्रेश ब्लॉग लेकर। और इस ब्लॉग में गाइस आप जैसे कि ये देख ही पा रहे हैं मेरा बाइक, ये बाइक कार हम कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करवाया है। मॉडिफिकेशन इन द सेंस मतलब सिर्फ इसका मिरर हमको अच्छा नहीं लगता था तो हम मिरर खुलवा मतलब हटा दिए और इसका साइड बार मिरर इंस्टॉल किए इसमें। और यहाँ पे हैंडल आपको देख पा रहेंगे, हैंडल आप यहाँ से तब देखेंगे तो हैंडल हम जस्ट थोड़ा सा एडजस्ट करके डाउन किए हैं क्योंकि यार ये हैंडल ना थोड़ा सा ऊंचा टाइप में पहले कंपनी मतलब ऊंचा ही करके देता है, वो हमको अच्छा नहीं लगता था इसीलिए हम थोड़ा सा डाउन किया है। पहले तो और ज़्यादा डाउन था बट हम थोड़ा सा फिर उठा दिया क्योंकि थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रहा था। और जैसा कि ये हमको ज़्यादा अच्छा लगता है स्ट्रेट मिरर। इसमें तो आपका ओवल आपका एस टाइप का था जो ओल्ड ग्लास था मिरर का, तो वो भी हमको उतना कुछ खास नहीं लगता था बट चलो जो भी है इसीलिए ये इंस्टॉल किया। ये आपका सिर्फ 100 रुपीज़ का कांच है जो इसको लगा दिया। और अगर ये कांच आप ले लेना तो आप खुद से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बस आपका ये स्क्रू खोलना है, एक यहाँ पे है, एक ये है और एक ये है और नीचे नहीं है बस, और ये खुल जाएगा। उसके बाद आपको कांच फिट करके टाइट कर लेना, बात ख़त्म। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इतना हुआ तो अभी हम एक और चीज़ में करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमको जितना लगता है, वो ये है। देखिए ये आपको ये इसका बैक ग्लास है मतलब बैक लाइट है, बैक लाइट का जो मिरर है ना ये हमको उतना कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जैसा लाइक क्योंकि यार जब भी हम बुलेट वगैरह जब भी सर्च करते थे ना तो ये लाइट हमेशा ही आता था, और ये लाइट थोड़ा सा ना मतलब पुराना टाइप का है, भले ही अभी चल रहा है बट हमको जो ओल्ड वाला टाइप में आता ना वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाला थोड़ा दूध वाला जैसा लगता है तो हमको अच्छा नहीं लगता ये वाला। तो इसी को आज मतलब रिप्लेस करेंगे, ये कांच हटा देंगे और उसके बदले सही वाला लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं वेलिंगटन ही जाके इसका सारा काम होगा। और गाइस आपसे हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, इसका हैंडल जो है ये आपका तो कंपनी फिटेड हैंडल है और हम इसमें ना सोच रहे हैं कि इसमें RD 350 हैंडल या क्लासिक का हैंडल इंस्टॉल करें क्योंकि ये हैंडल हमको उतना पसंद नहीं है। तो प्लीज़ आप बताएं कि RD 350 का हैंडल लगाना चाहिए इसमें या क्लासिक का, जो भी आप थोड़ा सजेस्ट कर दें तो मेरा हेल्प हो जाएगा। तो और एक चीज़ भी लेना है ये पेट्रोल का मापने का क्योंकि इससे तो कुछ होने से रहा, ये तो हमेशा ब्लिंक ही करता रहता कभी ना कभी, तो इसमें पेट्रोल मापने का एक स्केल आता है जिससे हम माप सकते हैं कि अंदर कितना पेट्रोल है, ठीक है। पेट्रोल अगर इसमें अंदर 7 लीटर 8 लीटर जितना भी लीटर होगा आप माप के कम से कम ये देख सकते हैं कि हमको और पेट्रोल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए चलते हैं। मलिक बाज़ार सोचे कि वेलिंगटन अभी यहाँ से बस 5 मिनट का दूरी पे ही वेलिंगटन है, बट सोचे कि यहाँ पे आपका देखे ये जैसे ये आपका दुकान देखे तो यहाँ पे सोचे एक बार पूछ लेते हैं, शायद यहाँ पे मिल जाएगा तो यहीं पे काम हो जाएगा तो फिर निकल जाएंगे, बट यहाँ पे नहीं मिला, अब हमें वेलिंगटन ही जाना पड़ेगा। तो चलते हैं वेलिंगटन ही मिलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं राइडर चॉइस, यहाँ पर बुलेट का सारा एक्सरसाइज मिलता है।
तो भैया से पूछे कि ये वाला लाइट हमको चाहिए जो हम भैया को दिखा रहे हैं। भैया बोले यहाँ तो नहीं मिलता, आगे आप देख लीजिए। गाइस हम लोग अभी देखिए आ गए हैं आपका वेलिंगटन, और इस दुकान ने पूछ लिए लेकिन इस दुकान में नहीं है वो लाइट, और ये दुकान अभी ढुक के देखते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं। मेरे को तो नहीं लगता यहाँ मिलेगा, कितना तकलीफ होता है। ये आपको दिखा भी दे रहे कौन सा हम लाइट का बात कर रहे हैं, देखो ये वाला लाइट का बात कर रहे हैं और नहीं मिल रहा, बताओ। हम कोशिश किए मतलब अगल बगल में, हमको लगता है ये हाई फाई दुकान में नहीं मिलेगा, तो एक दुकान हमको सीधा में दिख रहा है, एक बार वहाँ ट्राई करके देख लेते हैं मिलता है कि नहीं। वहाँ पर ये लाइट बहुत मतलब ट्राई किए कि मिल जाए और एक जगह मिला भी, बट यार 500 मांग रहा था, मतलब 550 मांग रहा था पूरा लाइट का, और हमको सिर्फ ग्लास चाहिए था, बट सिर्फ ग्लास ना मतलब कहीं नहीं मिल रहा था। एक जन बोल रहा था कि आपका मिल जाएगा, बट वो एक्स्ट्रा मतलब आपको उसके लिए बुकिंग कराना होगा, वो ला के देगा। बोले नहीं रहने देते हैं, क्योंकि फालतू का हम उतना नाटक नहीं करने जाएंगे। हाँ कभी अगर कहीं मिल गया तो ज़रूर ले लेंगे ज़रूर, ठीक है। और वो जो था पेट्रोल नापने का स्केल था ना, वो भी नहीं मिला गाइस, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, कि हम जो चीज़ के लिए ये पूरा ब्लॉग बनाए थे वो चीज़ हुआ ही नहीं, बट कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम जाके ज़रूर से ले लेंगे। तो जो भी था अभी नहीं समझ में आया तो नहीं लिए, फिर फालतू का पैसा इन्वेस्ट करना फालतू हमको लगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमको सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप